ये देखिए अंकल बिरयानी ले आए हमारे लिए, देखने में इतनी डिलीशियस लग रही है ना कि नहीं भी पढ़ना हुआ तो पेपर दे देंगे कोई बात नहीं, लेकिन नमाज नहीं रहनी चाहिए। जो पेपर है वो हो चुका है और अभी हम बाहर आ गए हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पे फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। तो यार आज जो है ना मेरा पेपर है तीसरा, तो आज मैं जा रहा हूँ अड्डे पर, दो बजे स्टार्ट होना, अभी तकरीबन 11:15 हो गए हैं। दोस्त आ रहे हैं उसके साथ निकलते हैं, फिर देखते हैं क्या सीन बनता है, अड्डे पर पहुँचते हैं। निकल वो देखें, बस निकल गई है, वो हॉर्न दे रही है, मैं अभी पीछे ही था यार, पता ही नहीं चला। अभी चलते हैं कोई और बस देखते हैं। अभी अड्डे के एक साइड पर खड़े होकर बस का वेट कर रहे हैं और दूसरे दोस्त का वेट कर रहे हैं, वो आते हैं तो फिर कोई बस भी तब तक पहुंच जाएगी। अभी तो कोई बस नहीं खड़ी, तो फिर अभी मैं एक साइड पर खड़ा हूँ, ये देखें, तो वेट करते हैं फिर बस का। हम मालूम है तेरे बाप को, चल। ये देखें, ये एक बस आई लेकिन ये छोटी है, हमने बड़ी बस पर जाना, तो हम बड़ी बस का वेट कर रहे हैं। अभी बाज़ार से कुछ टिश्यू वगैरह पकड़ रहे हैं क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा, और सर्दी में टिश्यू ज़रूरी होते हैं, और रास्ते में कहीं मिलते नहीं और ना ही यहाँ से अड्डे से कहीं मिलते हैं, तो बाज़ार से आकर यार ना बस का वेट कर करके मैं थक गया था, इसलिए मैं वेटिंग हॉल में आकर बैठ गया। मैंने कहा यार जब तक बस आएगी तब तक दोस्त भी पहुँच जाएगा, तो इतनी देर खड़ा तो हो नहीं सकता है, इसलिए यहाँ पर आके बैठ गया मैं। अभी वेट कर रहा हूँ, देखें ये LCD और क्या ही माहौल बनाया हुआ, इधर तो AC वगैरह लगा हुआ। ये भी एक जो दोस्त है बैठा वेट कर रहा है बस का, इसने भी उसी बस पर जाना है, कैंपस का है कोई। तो ये फाइनली ये बस आ चुकी है, इस पर बैठना है, अभी काफ़ी वेट करवाया इसने, अभी इस पर बैठते हैं, निकलते हैं फिर यूनिवर्सिटी की तरफ, क्योंकि पेपर में भी अभी 2 घंटे बाकी हैं, तो पता नहीं सीट मिलती है या नहीं। तो ये अभी फाइनली बस में बैठ गए हैं, सीट भी हमें मिल गई है, पता नहीं कैसे ही खाली पड़ी थी लास्ट पर, तो मैंने कहा यार जल्दी जल्दी बैठ जाते हैं, ये मैं और मेरा दोस्त साथ बैठा है, तो हमने साथ में अंकल को भी उठा लिया ताकि वो हमें खड़ा ना कर सके। चीटिंग करता है तू। अंकल बैठे हमारे साथ, अभी पहुँच चुके हैं कैंपस, मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा सा सीन, बहुत ज़्यादा सर्दी हो रही है, अभी उतरे हैं चलते हैं। ये देखिए अभी 12:30 हो चुके हैं, लेकिन ऐसे लग रहा है जैसे सुबह सुबह का वक्त है। अरे कहना क्या चाहते हो, और इतना ज़्यादा रश था। अभी कैफेटेरिया से लेते हैं चाय, थोड़ी देर बैठ के पढ़ते हैं क्योंकि टाइम अभी काफ़ी पड़ा है और सर्दी बहुत ज़्यादा हो रही है। तो अभी वजू कर रहे हैं क्योंकि नमाज का टाइम 1:30 और हमारा पेपर 2 बजे स्टार्ट होता है, तो मैंने दोस्त को कहा कि यार जितना पढ़ना था बस पढ़ लिया, अभी नमाज पढ़ लेते हैं, नमाज के बाद थोड़ा सा देखेंगे अगर कुछ पढ़ना हुआ तो, और अगर नहीं भी पढ़ना हुआ तो पेपर दे देंगे कोई बात नहीं, लेकिन नमाज नहीं रहनी चाहिए। 5-10 मिनट पड़े थे तो हमने कहा यार जल्दी जल्दी जाके वजू कर लेते हैं, तो इधर वजू करने आ गया, अभी वजू करके चलते हैं। A few moments later. तो यार अभी नमाज वगैरह पढ़ ली और नमाज पढ़ के अभी बाहर आ गए हैं, अभी 10 मिनट तकरीबन पड़े हैं हमारे पेपर शुरू होने में, तो मैंने कहा यार दोस्त को यार एक दफ़ा रिवाइज कर लेते हैं जो भी पढ़ा है, क्योंकि अभी फ्रेश है माइंड, अभी तैयारी कर रहे हैं, थोड़ी सी तैयारी करके निकलते हैं पेपर के लिए। तो जी फाइनली हमारा जो पेपर है वो हो चुका है, और अभी हम बाहर आ गए हैं क्योंकि यार हमारी जो बस है ना वो गुजर जाती है बहुत जल्दी, तो मेरा दोस्त ने कहा यार जल्दी जल्दी चलते हैं, किसी का वेट नहीं करते क्योंकि किसी ने हमारे साथ तो जाना नहीं होता। निकल। और जो आज पेपर हुआ ना यार वो बहुत ही आसान पेपर था, उसके बारे में तो क्या ही बताऊं मैं आप लोगों को, वो इतना आसान पेपर था कि मैंने 1 मिनट भी नहीं घर में पढ़ा था, सारी रात मतलब 12 बजे तक 11 बजे तक ड्रामा देखता रहूं, उसके बाद सुबह उठ के वैसे ही आ गया हूं, रास्ते में थोड़ा पढ़ना चाहे लेकिन रास्ते में फिर ड्रामा देखना शुरू कर दिया मैंने, और इधर आके थोड़ा सा दोस्त से पूछी डेफिनेशन, थोड़ी सी खुद रिवाइज की और वैसे ही पेपर देने चला गया, लेकिन पेपर बहुत ईजी था, बहुत आसान था। हाँ जी पेपर वगैरह कंप्लीट हो गया, अभी हम जा रहे हैं घर वापस। तो यार पहले की तरह आज भी हमें अड्डे पर जाना पड़ेगा क्योंकि आपको बताया हुआ है कि यूनिवर्सिटी के आगे तो बस रुकती नहीं है, तो मैंने दोस्त को कहा यार चलो वहाँ पे जाके बैठते हैं, वहाँ पे वेट करते हैं, वहाँ से बस को पकड़ेंगे, यहाँ पर तो बस रुकेगी नहीं। A few inches later. तो अभी वहाँ पे पहुँच चुके हैं, ये देखें पहले ही बहुत ज़्यादा वाम खड़ी है, मैंने इसे कहा यार आज तो यहाँ पे भी बस नहीं रुकेगी क्योंकि स्टूडेंट्स को देख के ना बस दूर से भगा लेते हैं, गजब बेइज्जती है। तो हमें वेट करते हुए काफ़ी देर हो गई थी, तो दोस्त कहता कि यार भूख लग रही है चल के बिरयानी खाते हैं, ये चचा मेरे मोस्ट फेवरेट हैं। अरे कहना क्या चाहते हो, इस बिरयानी में खाता हूँ जब भी इधर आऊँ, मतलब जब भी मेरा बिरयानी खाने को दिल करे या जब भी अड्डे पर आऊँ तो मेरी कोशिश यही होती है कि इनसे खाऊँ, क्योंकि यार ये बहुत रिस्पेक्ट करते हैं और बहुत पोलाइटली मैनर है इनका, और बिरयानी भी काफ़ी अच्छी होती है, तो मतलब ना फिर इनसे खाने को दिल करता है, तो इसलिए मैं इसके पास आ गया। तो मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। अंकल जी हमें आग जला के दे देते हैं, चलो यहाँ से बिरयानी वगैरह खा सकते हैं, पहले अच्छा बना रहे हैं प्लेट, बिरयानी खा के फिर निकलते हैं बस आने वाली है। पहले 2 बसें आई हैं, फिर वाइट से ही आगे चली गई, तो अभी हम वेट कर रहे थे इसी बस का, वो बस आपकी इतनी देर में हम बिरयानी वगैरह खाते हैं फिर निकलते हैं।
A few moments later. तो जी फाइनली हमारा जो ऑर्डर है वो तैयार हो गया। ये देखिए अंकल बिरयानी ले आए हमारे लिए। देखने में इतनी डिलीशियस लग रही है ना कि क्या बताऊँ। मैंने अंकल से कहा कि यार अंकल ये बर्तन उठा लो, क्योंकि यार ना हमें धुआं वगैरह हो रहा है तो ना बैठा नहीं जा रहा। अंकल कहते कि निकल बेटा कोई बात नहीं, मैं उठा लेता हूँ। ये सर्दियों की वजह से रखा हुआ पानी गर्म होता है तो बर्तन वगैरह धोने में आसानी होती है। A few moments later. जैसे ही इधर आए हमें बस भी मिल गई और बस में हम बैठने लगे तो हमें सीट भी मिल गई। मैंने कहा यार ये तो सोने पे सुहागा हो गया, वरना खड़े होकर जाना पड़ता। A few inches later. तो ये अभी मंचनाबाद पहुंच चुके हैं, अभी बस उतरे हम जा रहे हैं घर, तो घर जाके फिर मिलते हैं आपसे। हाँ जी यार आज थोड़ा सा जलील तो होना पड़ा, लेकिन बस मिल गई थी फाइनली और अभी घर पहुँच गए हैं। तो बहुत सारे खेल चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अस्सलाम वालेकुम।